स्टूडेंट्स देखिए, एट्थ क्लास का सिलेबस आ चुका है बेटा। अब एट्थ क्लास के सिलेबस में आपके पास 48% हट गया है कोर्स। तो आज तो आपको हम ऐसे ही करा रहे हैं, बाकी कल आपको सिलेबस भेज देंगे आज कितना हट गया और कितना आ गया आएगा और जो नहीं आएगा। बट आपको आज हमारा जो चल रहा है रनिंग में 11.3 एक्सरसाइज रनिंग में चल रही थी। अब 11 चैप्टर जो है ये लगभग पूरा आ रहा है। 11 चैप्टर गन एरिया वाला, सरफेस एरिया वाला पूरा आ रहा है मेरे हिसाब से। मैं तो अभी तो रनिंग में करा देता हूँ, बाकी जो आ रहा है वो कराएंगे अपन। बहुत कुछ हट गया बेटा। 48% का मतलब है आपका आधा कोर्स हट गया सिलेबस से। तो हमारा पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया था और क्वेश्चन नंबर दूसरा भी करा दिया था, तीसरा चल रहा था शायद, तीसरे क्वेश्चन में थे हम, तीसरे चौथे में थे, जो भी है मैं यहाँ से चौथे से स्टार्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, रुखसार में 1 मीटर × 2 मीटर × 1.5 मीटर माप वाली पेटी को बाहर से पेंट किया। एक पेटी है और पेटी को बाहर से पेंट कर रहे हैं हम, यानी क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड को हम पेंट किया जा रहा है, उस पर पॉलिश कर रहे हैं। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगहों को पेंट किया, यानी कि बेस को छोड़ दिया, समझ रहे बेटा, इसमें बेस इंक्लूड नहीं है, बाकी 4 साइड्स हैं और छत भी है। बात समझ में आई? इसमें एरिया ऑफ द 4 वॉल्स लगा दो, एरिया ऑफ द रूफ लगा दो, सीलिंग लगा दो, रूफ लगा दो और दोनों को जोड़ दो। तो सबसे पहले हम लेंथ लिखते हैं। लेंथ हमारे पास 1 मीटर, ब्रेथ हमारे पास 2 मीटर और एच हमारे पास 1.5 मीटर। तो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, यानी हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों का एरिया ऑफ 4 वॉल्स है तो 2 × H और L+B, तो 2 × H हमारे पास है 1.5, L है 1 और B है 2, तो 3 × 3 यानी 9 मीटर² एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया बेटा। अब एरिया ऑफ द रूफ निकाल लो, ऊपर छत का भी निकालना है, सीलिंग का भी निकालना है। एरिया ऑफ द टॉप, इसको टॉप भी कह सकते हो आप, बॉटम एंड टॉप, तो टॉप का एरिया है L × B, एरिया ऑफ द टॉप हिंदी में बोले तो छत का क्षेत्रफल। टॉप का मतलब ऊपरी भाग, जैसे मेरे पे बैठा उसके ऊपर वाला टॉप कहलाता है। तो Length × Breadth 1 × 2 यानी 2 मीटर² इन दोनों को ऐड कर लो और पेंट कराने का क्षेत्रफल आ जाएगा। पेंट कराने का क्षेत्रफल लिख लो, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ पेंटिंग, तो अब 9 मीटर² + 2 मीटर² ऐड कर दिया 11 मीटर², तो पेंट कराने क्षेत्रफल आ गया बेटा। यही कह रहा है, बताओ कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमारे आंसर मालूम चल गया होगा कि कितना पेंट किया जा रहा है। हमारे चारों दीवारों पर पेंट करा रहे हैं और छत पर पेंट करा रहे हैं, बाकी कहीं पेंट नहीं किया जा रहा। अगर इसके पूरे पर पेंट कराते तो TSA लग जाता। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं। डेनियल एक ऐसे घनाभ आकार के कमरे की चारों दीवार और छत, बेटा कमरा है, एक रूम है जिसकी 4 वॉल्स है और सीलिंग है, ठीक है।
तो हम मेजरमेंट लिख देते हैं, डिमेंशंस लिख देते हैं, लेंथ दी है 15 मीटर, मेजरमेंट ऑफ द रूम लेंथ, ब्रेथ दी है 10 मीटर एंड हाइट दी है 7 मीटर और पेंट किया जा रहा है। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो बताइए कमरे के लिए कितने पेंट की केनों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें पेंट कितने एरिया पर करना है। एरिया निकालना बेटा, चारों दीवारों पर पेंट करना है, छत पर पेंट करना है, नीचे तो पेंट होता ही नहीं है आपको मालूम बेटा, फर्श पर पेंट ही नहीं होता है, फर्श पर तो मार्बल लगती है या फिर टाइल लगती है। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकाल लो, टू इंटू एच और एल प्लस बी, तो टू इंटू एच हमारे पास है 7 मीटर, 15 प्लस 10 7 टू जा 14, 15 और 10 25, 14 5 या 70, 350 मीटर स्क्वायर, 350 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द फोर वॉल्स आ गए। और एरिया ऑफ द टॉप निकाल लो, एरिया ऑफ द टॉप का मतलब है वो सीलिंग, तो यहां आ जाएगा एल इंटू बी, तो एल हमारे पास 15 है और बी हमारे पास 10 है, तो 150 मीटर स्क्वायर है, तो इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, एरिया ऑफ यानी कि पेंट पेंटिंग एरिया निकाल लो, थ्री हंड्रेड फिफ्टी मीटर स्क्वायर में 150 मीटर स्क्वायर ऐड कर दो, तो ये हमारे पास 500 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द पेंटिंग आ जाएगा। अब इसको नंबर ऑफ टेंट, टेनों की कितनी आवश्यकता होगी, तो नंबर निकालने की नंबर ऑफ टेंट यानी टेनों की आवश्यकता होगी, टेंट कितनी टेंट चाहिए, तो आप इस एरिया को 100 से डिवाइड कर दो, तो 500 मीटर स्क्वायर एरिया है, यानी हमारा टोटल एरिया है 500 मीटर स्क्वायर, और एक कैन जो है से हम 100 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर रहे हैं, हम एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकते हैं। तो हमें कितनी कैनों की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी कैन हमें चाहिए, नंबर ऑफ कैन चाहिए, तो आप 500 को 100 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दो बेटा, तो ये 5 कैन्स की आवश्यकता होगी, 5 कैन, 5 कैनों की हमें रिक्वायरमेंट होगी इस एरिया को कंप्लीट करने के लिए, 5 कैन चाहिए। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन देखिए बेटा, नंबर 7 ले रहा हूं मैं, 6 नंबर सॉरी, वर्णन कीजिए दाई तरफ की दी गई आकृति किस प्रकार का किस प्रकार एक समान है, एक सिलेंडर है, एक क्यूब है, दो शेप बनी हुई है, फर्स्ट शेप इज ए सिलेंड्रिकल एंड सेकंड शेप इज ए क्यूबिकल। अब इसका सीएस निकालना है, तो फर्स्ट शेप तो सीएस वो है सिलेंडर है, सीएस ऑफ सिलेंडर होता है 2πr है, सीएस ऑफ सिलेंडर इसका फॉर्मूला होता है 2πrh, 2πrh सीएसएफ सिलेंडर है, तो आप सीएसए निकाल लो, 2 इंटू 22 अपॉन 7, इसकी रेडियस आएगी 7 अपॉन 2, तो डायमीटर का हाफ, हाफ ऑफ द डायमीटर का रेडियस, और हाइट 7 आएगी बेटा, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 22 से 154 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सीएसएफ सिलेंडर आ गया। अब
बात करें हम क्यूब की यानी घन की, तो घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 4 साइड स्क्वायर CSA ऑफ क्यूब। भाई CSA TSA ऑफ क्यूब होता है 6 साइड स्क्वायर, क्योंकि 6 साइड होती है, 4 walls टॉप एंड बॉटम। तो टॉप एंड बॉटम को छोड़ दो, CSA में टॉप और बॉटम काउंट नहीं होता, ऊपर का नीचे का काउंट नहीं होता, राइट। जब CSA की बात करें तो ऊपर हटा दो और नीचे का हटा दो, चारों दीवारों को जोड़ दो, चारों दीवार 4 साइड स्क्वायर CSA ऑफ क्यूब 4 साइड स्क्वायर। तो 4 × 7 × 7 मल्टीप्लाई कर लो 49 को 4 से 196। समझ में आ गए होगा बेटा, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ क्यूब, तो ये किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, एरिया ऑफ द CSA ग्रेटर देन द एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल, एरिया ऑफ द CSA ऑफ क्यूब ग्रेटर देन एरिया ऑफ द CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसका एरिया इससे ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है वो भी आप निकाल सकते हो, तो इसका 196 में से और आप 154 माइनस कर दो, 42 सेंटीमीटर एरिया ग्रेटर है, तो ग्रेटर एरिया 42 सेंटीमीटर। तो 8th क्लास का बेटा, मैंने अभी आपको बोला था 48% कोर्स हट गया है, हटाया गया आएगा वो कल आपको बता दिया जाएगा। तो आपको 11.3 एक्सरसाइज मेरी जो रनिंग में करंट में चल रही थी, 6 क्वेश्चन तक आपको मैंने करा दिए हैं, 7 आप कर सकते हो, बट चलो ईच क्वेश्चन में करा देता हूँ, समझ में आ गया होगा ईच क्वेश्चन करने हैं अपन को। तो मैंने आपको 11.3 का 4th, 5th और 6th क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, 7 भी कर सकते हैं, चलो 7 भी कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 सेंटीमीटर रेडियस है, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, एच गिवन है 3 मीटर, ये भी रेडियस भी मीटर में बेटा। एक बेलनाकार टैंक है यानी सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर जानते हो, आपके घर में भी होगा सिलेंडर तो है कि नहीं है, है। किससे बना हुआ है, धातु की चद्दर से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है। तो मेटल कहाँ कहाँ लगती है सिलेंडर में, नीचे भी लगती है, ऊपर भी लगती है, चारों तरफ लगती है। तो TSA निकलेगा इसका, क्यों कह रहा है कितनी मेटल के लिए रिक्वायरमेंट है इसकी, धातु की चद्दर से बना हुआ है उसके लिए कितनी मेटल चाहिए। तो मेटल निकाल रहा है तो इसका मतलब है कि TSA ऑफ सिलेंडर लगा दो आप, TSA ऑफ सिलेंडर, CSA मत निकाल देना बेटा क्योंकि बंद है, क्लोज सिलेंड्रिकल है, क्लोज का मतलब पैक है पूरा ऊपर नीचे, कहीं कोई स्पेस ऐसा नहीं जहां खुला हुआ है, जहां में मेटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, टोटल सरफेस पे मेटल लगेगा। तो 2πr r + h, तो 2 × 22/7 × 7 7+3, तो 2 × 22/7 × 7 × 10, 7 से 7 कैंसिल बेटा, 440 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो मैंने आज आपको 4 क्वेश्चन से कर दिए हैं, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं, आराम से कर सकते हो। तो आप किसी में TSA लग रहा है, किसी में CSA लग रहा है, बस यही बेटा, किसी में 4 walls लग रहा है, तो आपको फॉर्मूला लर्न होने चाहिए, अगर फॉर्मूला लर्न है तो आराम से आ जाएगा, बाकी आपको कल नेक्स्ट डे कराया जाएगा।